हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती 2018 के बारे में। जी हाँ, रेलवे ने अपनी नई भर्ती जारी कर दी है। ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज समझ लीजिए, या खुशखबरी समझ लीजिए, या दिवाली तोहफा समझ लीजिए, जो कुछ आपको समझना हो समझ लीजिए। ये आरआरबी की जो नई भर्तियां हैं वो आज जारी कर दी गई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी का, जिसमें जारी ये कहा गया है कि 77,000 पदों पर आरआरबी करेगा, यानी कि रेलवे करेगा नई भर्ती। जो आपका ऑफिशियल फॉर्म है वो ये भी बताया गया है किसी की इसी माह के अंत में या इसी माह के अंतिम सप्ताह से पहले आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो फॉर्म है ऑनलाइन होगा और जो परीक्षा होगा वो भी ऑनलाइन होगा। ये पूरा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया होगा। हम आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के दुख सुनाएंगे, और आपको एक एक बात उसमें जो पॉइंट कहा गया वो बताएंगे, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से हम इस आपको बताएंगे कि आपको अगर पढ़ना तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और किस डेट से आपका फॉर्म अप्लीके जो है ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाए। इन सब की बातें हम करेंगे। इससे पहले एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, इस पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट खबरें देता रहता हूँ, और सभी जो एग्जाम होते हैं उन सब की ऑनलाइन क्लासें भी यहाँ पे चलाता रहता हूँ। जैसे एक बहुत अच्छी खबर या बहुत बुरी खबर, जो भी आप समझना समझ लीजिए, UP SSSC वीडियोग्राम विकास अधिकारी की कल आई थी, जो यूपी का एक फॉर्म आया था कि उसमें 4,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट के या कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं वो अगर दोबारा आवेदन करने के लिए, आपको उनको 7 नवंबर का तक मौका दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आरआरबी CVT 2 परीक्षा के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की भी क्लासेस चलवा रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस चलवा रहा हूँ, और जल्द ही आपकी मैकेनिकल फिजिक्स और मैथ सभी की CVT 2 की क्लासेस चलने वाली हैं। तो अब चलते हैं इस आप डिटेल में, हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी या रेलवे की जो नई भर्तियां हैं 77,000 पदों की, तो ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कहा गया है कि रेलवे नई भर्ती करेगा 77,000 पदों पर, जिसमें स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर जिसको बोलते हैं TC, सेक्शन इंजीनियर और बहुत सी दो वैकेंसियां और हैं। टोटल जो 5 पदों, मतलब 5 प्रकार के पदों पे रेलवे भर्ती करेगा, और जो कुल पद हैं 77,000 हैं। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो इसी माह यानी कि नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में या नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये पूरा है डिटेल, और इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा है कोई भी स्ट्रीम से, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप जो ग्रेजुएशन है वो पास आउट होना चाहिए, यानी कि वो सभी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन पास आउट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, BA, BSc, BTech, BCom, बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जिनका कंप्लीट है वही भर पाएंगे, जो अपियरिंग है वो नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात ये, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है ये जो फॉर्म है नवंबर माह के अंत में आएगा, और इसका जो पूरा प्रोसेस है 20 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, मतलब जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 20 दिसंबर है, और जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इसका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, और जो सेकेंड स्टेज है वो बताया गया फरवरी माह के अंतिम में होगा, और फाइनल जो रिजल्ट है इस जो नई भर्तियां हैं मार्च के मिड यानी कि 15 या 20 मार्च के मध्य में नई जो वैकेंसियां हैं इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से रेलवे ने ये भी बताया कि इस साल यानी कि 2018 में टोटल रेलवे जो नई भर्तियां निकाला है 2.2 पॉइंट पर करीब करीब 2 लाख के करीब करीब इस प्रकार से भर्ती होने वाली हैं। तो अगर आप भी जॉब की या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा, आपका जो फॉर्म है नवंबर माह के अंत में आ जाएगा, और आपका जो एग्जाम है लास्ट डेट जो अप्लाई है 20 दिसंबर है, एग्जाम जो है जनवरी में फर्स्ट भी सेकेंड भी जनवरी में है, और उसके बाद से CVT 2 यानी कि सेकेंड जो स्टेज है वो फरवरी में है, और फाइनल जो रिजल्ट है आपका मार्च में आ जाएगा। तो फॉर्म जरूर भरिए, 77,000 जो वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती हैं। तो ये था एक अपडेट, फाइनल अपडेट जो कि आपको आ गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको हम ले चलते हैं आरआरबी बोर्ड की वेबसाइट पे। तो आपको चलना होगा गूगल पे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RRBLD.gov.in, और यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ ये रहा
ये रहा आरआरबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे ले चलते हैं आरआरबी बोर्ड की वेबसाइट पे। ये रहा आपका, खुल गया ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले एक बार और बात बता दें, हमारे दिमाग में आ गया है, अच्छी बात हुई कि हम आपको बता दें। बहुत से स्टूडेंट ने क्वेरी किया था कि सर मेरा जो CBT 2 का एग्जाम हो कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, और मेरे जो CBT 2 1 एग्जाम में आए हैं मार्क्स इतने आए तो मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, और 3 नंबर वाले सिलेक्ट हो गए और 12 नंबर वाले सिलेक्ट नहीं हुए। तो उन सब के लिए देखते हुए आरआरबी बोर्ड ने एक हेल्प डेस्क जारी की है। तो अगर आप 5 नवंबर को यानी कि कल ही एक परसों एक हेल्प डेस्क जारी की है आरआरबी बोर्ड ने, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं आरआरबी से, अगर एएलपी सॉरी एएलपी और टेक्नीशियन जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे जो जहाँ मैं कर्सर हावर कर रहा हूँ यहाँ पे आपको लिखा है कि CEN01/2018 क्लिक हियर फॉर फाइनल हेल्प डेस्क लिंक फॉर कैंडिडेट टू रेज क्वेरी फॉर रिटन एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक विंडो खुल के आया होगा आएगा जिसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती है CEN01/2018 एलपी एंड टेक्नीशियन सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन सेकंड स्टेज CBT 2 हेल्प डेस्क द्वितीय चरण CBT सहायता केंद्र। तो आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस सहायता केंद्र में जाके पूछ सकते हैं। और आरआरबी ने ये भी बताया कि इस जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो रिप्लाई है आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा या प्रोसीजर है मैं आपको बता दूं, यहाँ भी एक ऐसा विंडो खुल गया है, उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर ID यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना, उसके बाद आपका DOB फिल करना है, उसके बाद जो ये जो ऑफिशियल आपको कैप्चा दिख रहा है कैप्चा फिल करने के बाद आपको इसमें लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद एक नया विंडो खुल के आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर और आपका जो फॉर्म है वो सब खुल के आ जाएगा। तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आरआरबी से पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आरआरबी ने जो लॉन्च किया है कि आप कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक और आ रहा है, उसी में बता दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने से पहले कि बहुत से स्टूडेंट ये पूछे थे, मैं एक वीडियो बनाया था आरआरबी CBT 2 सिलेबस का, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं जो फाइनल सिलेक्शन होगा मेरा तो असिस्टेंट लोको पायलट में होगा या फिर टेक्नीशियन में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस चूज किए थे, अगर आप टेक्नीशियन चूज किए हैं पहले तो टेक्नीशियन में होगा, अगर आप सॉरी अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट चूज किए हैं तो आपका असिस्टेंट लोको पायलट में होगा। लेकिन अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो कट ऑफ रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का अलग अलग होगा, तो अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपसे एक बार और पूछा जाएगा, यानी कि आप एक बार और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए फॉर्म आएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में या फिर टेक्नीशियन में। तो आप जिस में जाना चाहते हैं उसमें टिक कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए आएगा जो दोनों स्टेट में क्वालिफाई कर दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि जो LP और टेक्नीशियन दोनों के लिए क्वालिफाई फाई कर जाएंगे उनके लिए एक नया मतलब एक दोबारा पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ ALP या सिर्फ टेक्नीशियन में क्वालिफाई करता है तो ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट उसको अलाट हो जाएगा। तो ये था क्वेरी से रिलेटेड जो कि बहुत स्टूडेंट ने पूछा था। एक बात और, बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट ने, मैं एक जो यहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लासे ले रहा हूँ उसमें पूछ रहे हैं कि सर जो एग्जाम पैटर्न है CBT 2 का या फिर एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका रीजनिंग GA GK GS और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आएगा, पार्ट बी में आपका ट्रेड सब्जेक्ट आएगा। ट्रेड बी जो पार्ट बी यानी कि ट्रेड सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि सिर्फ आपको उसमें 35% मार्क्स यानी कि टोटल 75 में से 27 मार्क्स लाने हैं, और जो पार्ट ए है उसी मेरिट बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है जो कि सिलेक्शन के लिए आपके लिए कारगर है। तो पार्ट ए जो है जिसमें 100 क्वेश्चन है 90 मिनट का टाइमिंग है, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन है जिसमें आपका जो टाइमिंग है 1 घंटा है। ये था ओवरऑल जो क्वेश्चन मैंने पूछे गए थे। अब हम ले चलते हैं आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे इसका जो ये वैकेंसी आई हुई है रेलवे नई भर्ती 2018 में 77,000 पदों पे उसके लिए जो नई भर्तियां हैं उसके लिए, अब हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो
इसके लिए आपको लिखना होगा यहां पे आरआरबी आरआरबी बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा कुल क्या आया है। इस समय हाँ, तो आप जब आरआरबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा न्यूज और हाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिस। अब आपको जाना होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई CEN02। आपको दिख रहा है कि CEN02 आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका नया एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें टोटल 77,000 वैकेंसियां हैं, स्टेशन मास्टर की, टिकट कलेक्टर की, सेक्शन इंजीनियर की। तो ये सभी भर्तियों पे आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट वेट हो जाएगा। और इसका जो सिलेबस है वो टोटल नॉन टेक सिलेबस है, इसमें कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है, सिर्फ सिर्फ सेक्शन इंजीनियर जो है वो टेक्निकल है। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, आपका जो फॉर्म है जल्द ही खुल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।